आधा आईपीएल हो गया पर अभी तक इन 10 बल्लेबाजों का बल्ला खामोश है। तो कौन है ये प्लेयर्स, क्यों नहीं चला इनका बल्ला, क्या किया इन्होंने अपने बल्ले से इस साल अभी तक, और कितने रुपयों में ये बिके थे, सब कुछ आज उस वीडियो में बताएंगे। एंड तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। भैया आईपीएल की तमाम न्यूज फैक्ट्स अपडेट सबसे पहले देते हैं, लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। तो पहले खिलाड़ी और बड़ा नाम इस लिस्ट में जिनको हम बोल सकते हैं कि यार इनसे तो उम्मीद नहीं थी, वह है नीतीश राणा। 8 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा था और 5 मैचों में लगभग 69 रन ही बना पाए हैं नीतीश राणा। हालांकि केकेआर की टीम बहुत अच्छा खेल रही है और नीतीश राणा उनके ही साइड में खड़ो के बहुत बुरा खेल रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं कि केकेआर नीड टू थिंक अबाउट द प्लेयर्स जो कि लगातार नहीं चलते हैं और राणा उनमें से एक है। आगे क्या होगा देखो, अभी तो टूर्नामेंट बचा हुआ है, केकेआर को अभी भी 9 मैचेस खेलना है लीग मैचेस में, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी भी मौका है, दस्तूर भी है, देखते क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई दूसरे खिलाड़ी की, लेकिन उससे पहले इन खिलाड़ियों को मत लेना जब आप माय 11 सर्कल ऐप पर आज के लिए टीम बनाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाली, फटाफट बोलिए, माला माल होने का मौका है क्योंकि आज के मैच में टीम बनाएंगे। नीचे लिंक खोलकर MCP2022 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फ्री में 1500 रुपए, 20% का स्पेशल डिस्काउंट, हर रोज 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका। और आज VVS लक्ष्मण को हरा देंगे तो जीते अमाउंट का 5 गुना कैश मिलेगा, तो सब कुछ मिल रहा है। बस एक ही चीज है कि फ्लॉप प्लेयर से थोड़ा सा दूर रहिएगा, ऑल दो ले भी सकते हैं, आगे चल भी सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन कीजिए, बट ऐसा जरूर बोलूंगा कि VVS को हराने ताकत आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी में, तो जरूर खोलकर डाउनलोड करिएगा। चलिए भाई दूसरे खिलाड़ी है मैथ्यू वेड गुजरात टाइटन्स की टीम में 2.4 करोड़ रुपीज में बिके थे। अच्छा, इनको गुजरातियों ने इसलिए लिया था बिकॉज T20 वर्ल्ड कप में बहुत चले थे और बिग बैश लीग में चलते हैं, तो ये सारी चीजें देखकर लिया था। 4 मैच में सिर्फ 56 रन कर पाए और बुरी तरीके से अभी तक फ्लॉप हुए हैं, ऑल द वे लगभग आधे आईपीएल की तरफ अब हम यहां से बढ़ चुके हैं, बट मैथ्यू वेड का प्रदर्शन तो बिल्कुल भी, मतलब 2.4 करोड़ रुपए लायक तो है नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया इनका तो 1 रन ही लाखों में पड़ा है, तो वेड बड़े कीमती साबित हुए हैं, थोड़ा सा अब टीमों को इनसे बच के रहने की जरूरत है। आगे तीसरे खिलाड़ी दोस्तों जिनको हमने इस लिस्ट में रखा हुआ है, सनराइजर्स हैदराबाद के राहुल त्रिपाठी, 8.5 करोड़ रुपए में SRH की टीम ने त्रिपाठी को खरीदा था और 4 मैच में सिर्फ 100 रन किए हैं राहुल त्रिपाठी ने, तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 8 लाख रुपए का 1 रन पड़ा है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को, 8 लाख रुपए का 1 रन राहुल त्रिपाठी का, बहुत महंगे साबित हुए राहुल त्रिपाठी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई राहुल त्रिपाठी को या तो आपको इतने में खरीदना नहीं था, और खरीदना था थोड़े कम में खरीद कर टीम में कम से कम सेटल तो करते, तो त्रिपाठी आगे भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। चौथे खिलाड़ी जिनको हमने इस लिस्ट में रखा हुआ है सैम बिलिंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने सैम बिलिंग्स को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था और सैम बिलिंग्स ने 5 मैचों में 95 रन किए हैं, 1 रन सैम बिलिंग्स का लगभग 2 लाख रुपए में पड़ा है केकेआर की टीम को, बड़ा महंगा पड़ा है। फिर वही बात है, केकेआर क्योंकि खेल अच्छा रही है, बाकी प्रदर्शन अच्छे हो रहे हैं तो हम ज्यादा बातें ध्यान नहीं देते, बट इस लिस्ट में दूसरा नाम है ये केकेआर का, तो आगे जाकर ये दिक्कतें केकेआर के लिए जरूर पैदा करेंगे। एंड आई पर्सनली थिंक कि केकेआर को शायद और बंच ऑफ गुड प्लेयर्स है और मोहम्मद नबी बाहर बैठे उनको खिलाओ यार। पांचवें खिलाड़ी दोस्तों जो कि इस लिस्ट में वो भी केकेआर के, वो है वेंकटेश अय्यर। केकेआर की टीम ने वेंकटेश अय्यर को 8 करोड़ रुपए दिए थे और 5 मैचों में 97 रन किए हैं वेंकटेश अय्यर ने, तो वेंकटेश अय्यर का 1 रन केकेआर को लगभग 8 लाख रुपए का पड़ा है। और फिर वही बात है भाई कि इतना महंगा 1 रन पड़ेगा तो कहां से जस्टिफाइड होगा। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों कि आगे दिक्कत होगी फिर वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि इतने महंगाई में तो फिर रखने नहीं वाली केकेआर, और रिलीज होंगे तो फिर अगली नीलामी में मुश्किलें बढ़ेंगी। छठवें खिलाड़ी, छठवें बल्लेबाज जिनका बल्ला अभी तक नहीं बोला है और बड़े नाम है भारतीय क्रिकेट, वो है विराट कोहली। RCB की टीम में विराट कोहली को 16 करोड़ रुपए की रिटेंशन अमाउंट दी थी, 5 मैच में विराट कोहली सिर्फ 107 रन कर पाए हैं, इनका 1 रन लगभग 13-14 लाख रुपए का पड़ रहा है RCB की टीम को। लेकिन RCB को वो ज्यादा बर्डन लगेगा नहीं क्योंकि विराट के कारण कई सारे ब्रांड्स आते हैं RCB के पास और एडवर्टाइजर्स आते हैं, तो फायदा होता है विराट कोहली के चलते। बट स्टिल अगर हम खेल की बात करें तो विराट का बल्ला सिर्फ 1 मैच में ही चल पाया है जिसमें उन्होंने एक तगड़ी इनिंग खेल दी थी, अदरवाइज विराट कोहली सूने ही रहे हैं, और ऐसा अमूमन हम विराट के बल्ले से एक्सपेक्ट करते नहीं है क्योंकि ये वो बंदा है जिसने एक पूरे आईपीएल सीजन में 2016 में लगभग 900 रन बनाए थे। बड़े खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी, और इनके लिए एक लाइक तो बनता है, और मुझे लगता है थोड़ी बहुत दिन है ये बहुत चलेंगे। सातवें खिलाड़ी दोस्तों, सातवें बल्लेबाज जिनको हमारे लिस्ट में रखा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, उम्मीद नहीं थी ज्यादा धोनी से बिकॉज वो उम्र का अभी तकाजा है और हम यही बात कर रहे थे पहले भी कि शायद वो आखिरी आईपीएल होगा। 5 मैच में 92 रन किए हैं, 12 करोड़ रुपए में जो है धोनी बिके थे।
चेन्नई सुपर किंग्स को इनका एक रन लगभग 12-13 लाख रुपए का पड़ रहा है, बट स्टिल वही बात है जो विराट के साथ थी, वही बात धोनी के साथ है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है धोनी चले या नहीं चले, क्योंकि एट द एंड जो फायदा वो चेन्नई उठा चुकी है ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स के लिए, बट धोनी के नहीं चलने से, क्योंकि धोनी एक बड़ा नाम है दुनिया की क्रिकेट का, सीएसके की जो स्टेबिलिटी है वो जरूर थोड़ी सी घटगड़ाई है। आठवें खिलाड़ी दोस्तों जिनको हमने इस लिस्ट में बल्लेबाज जिनको रखा हुआ है डेविड कॉनवे। डेविड कॉनवे चेन्नई की टीम में ही है, एक मैच खिलाया, 3 रन बनाए, 1 करोड़ रुपए इनकी कीमत है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हुए, क्योंकि आधा आईपीएल निकल गया इनकी, हम ये बोल सकते हैं कि इनका एक रन लगभग 30 लाख रुपए का पड़ रहा है सीएसके की टीम को। आठवें खिलाड़ी डेविड कॉनवे, इनसे बहुत उम्मीद थी, 1 करोड़ रुपए में बिक जरूर गए थे, फ्लेमिंग ने तो ये तक कह दिया था कि उन्होंने बहुत बड़ा हाथ मार लिया है नीलामी में, बट अब ये जो हाथ इन्होंने मारा है ये कभी भी जस्टिफाइड तो अभी तक नहीं लग रहा है। नौवें खिलाड़ी दोस्तों जिनको हमने इस लिस्ट में रखा है वो है यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ रुपए में लिया था, 3 मैच में यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ अभी तक 25 रन बनाए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी बहुत महंगे साबित हुए, हिसाब आप बता देना इनका, लेकिन महंगे बड़े साबित हुए हैं, क्योंकि 4 करोड़ रुपए 25 रन सिर्फ बने हैं, तो कहां से भाई ये जस्टिफाइड होगा, लगभग मैं बोल सकता हूँ 4 लाख 5 लाख का शायद 1 रन पड़ा है ऐसा ही कुछ, लेकिन बहुत बुरी स्थिति यहां पर बनी है। जायसवाल से बहुत उम्मीद थी, मैं बहुत पर्सनली थोड़ा सा टूटता हूँ जब यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर नहीं चलते हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट, आगे मौका मिले तो और चले। 10वें खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी की टीम में अभी अभी आया, ज्यादा टाइम हुआ नहीं, 2 मैच में 34 रन बनाए, 9 करोड़ रुपए में पड़े हैं, हालांकि उम्मीद अभी ज्यादा है ग्लेन मैक्सवेल से, क्योंकि अभी टूर्नामेंट बचा हुआ है, बट भाई कहते हैं ना कि पूत के पाव पालने में दिख जाते हैं, अभी 2 मैच हो गए, 34 रन ही किए हैं, बॉल्स इतनी नहीं मिली है, तो लेट्स सी, अभी देखने वाली बात होगी, मैक्सवेल को अभी देखना होगा, बट 9 करोड़ रुपए अभी तक सिर्फ 34 रन ही दे पाए हैं आरसीबी को ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से। तो ये 10 खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे, जो कि अभी तक आधे से ज्यादा, लगभग आधा आईपीएल, आधे से ज्यादा तो नहीं बोलूंगा निकल गया है, बट ये 10 के 10 बल्लेबाजों का बल्ला सुना है, इनमें से कौन चलेगा एंड तक वो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। माय 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट जरूर बना लेना, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्योंकि जो चीजें वहां मिल रही वो कहीं मिल नहीं रही, MCP2022 कोड डाल देना बस, बाकी सब हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना डाल दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।